तो कल की डेडिकेटेड वीडियो में तुम सबका स्वागत है, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को भर भर के कल की मूवी से रिलेटेड बड़ी सी बड़ी न्यूज देने वाला हूँ। सबसे पहला अपडेट ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कल की मूवी में प्रभास सर एज भगवान परशुराम के कैरेक्टर में भी हम सबको देखने को मिलने वाले हैं, बट नहीं भी मिलने वाले हैं एक्चुअली, मैं रीजन में तुम्हें बताऊंगा और किस फिल्म में ये देखने को मिलने वाला है इसको लेकर भी हम लोग बातें करने वाले हैं। दूसरी अपडेट की बात करते हैं, दूसरा अपडेट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कल की मूवी के पहले सिंगल को लेके, एक्चुअली मेकर्स कब प्लान कर रहे हैं अपने पहले सिंगल को रिलीज करने का। देन तीसरा सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है मैन, मतलब ये अपडेट तुम्हों को थोड़ा सा हिला के रख देगा, सॉल्व कर देगा। अपडेट ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अमिताभ बच्चन ने कल की मूवी को लेके काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, और ये स्टेटमेंट जब ही मैं भी पढ़ रहा था यार, मैं भी थोड़ा देर के लिए ब्लो हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम मुझसे एक ही चीज़ बोलूंगा, अभी तक जो भी भाई लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है मैन, और वीडियो को प्रभाव तुम लास्ट तक जरूर देखा करो। सो बैक टू पॉइंट आते हैं, सबसे पहले क्या कल की मूवी में हम सबको भगवान परशुराम जी के कैरेक्टर में प्रभास सर देखने को मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं। मैं तुम्हें क्लियर कट ही बता देना चाहता हूं कि ये फिल्म में ऐसा खबर कुछ दिन पहले ये निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ था कि हाँ ये फिल्म में मीन्स कल की मूवी में ना प्रभास सर का ना 6-7 कैरेक्टर होने वाला है, मीन्स प्रभास सर 6-7 रोल को प्ले करते हुए दिखाई देंगे। बट ये जस्ट एक रूमर था, इस पर तुम बिलीव मत करो, बट अभी ये रूमर ये निकल रही है कि परशुराम जी भगवान के भी कैरेक्टर को ये प्ले करते हुए दिखाई देंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, परशुराम जी के कैरेक्टर को वो कनप्पा मूवी में प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अभी एक तगड़ा इनसाइडर ने ये चीज बोला हुआ है कि परशुराम जी जो भगवान है वो कैरेक्टर प्रभास सर तो प्ले कर रहे हैं परशुराम जी भगवान का, बट ये कल की मूवी में नहीं, ये कनप्पा मूवी में प्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम लोगों का डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा। सो अगली अपडेट की बात करते हैं, अगला अपडेट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कल की के पहले सिंगल को लेके, एक्चुअली में इसका पहला सॉन्ग कब देखने को मिलने वाला है। मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी अपने पहले सिंगल को रिलीज करने का। तो अभी खबर आ रही है कि 17-20 के बीच में शायद मेकर्स अपने पहले सिंगल को रिलीज करते हुए दिखाई देंगे। बट मेकर्स भाई थोड़े कल्कि के कभी कभी सो जाते हैं तो सो जाते हैं, कभी कभी अगर एक्टिव मोड में आ जाते हैं तो धड़ाधड़ कुछ ना कुछ चीज़ों को रिलीज करते रहते हैं। बट हाँ, अभी वो समय आ चुका है कि वो लोग धीरे धीरे ही एक्टिव मोड में आएंगे और लगातार अपने फिल्म को लेके कुछ ना कुछ चीज़ों को रिलीज करते हुए दिखाई देंगे। बट हाँ, पहले सिंगल को लेकर तुम लोग तैयार हो जाओ, जल्दी ही तुम सबको देखने को मिलने वाला है। सो अगले अपडेट की बात करते हैं, अगला अपडेट आ रही है अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया है। अमिताभ बच्चन ने बोला हुआ है कि मैं कल की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, और मैं किसी फिल्म का भी टाइम में वेट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ कल की मूवी है। ये स्टेटमेंट को अगर तुम जस्ट नॉर्मल वे से देखो तो तुम्हें जस्ट नॉर्मल स्टेटमेंट लगेगा, बट ये स्टेटमेंट को अगर तुम थोड़ा सा डीप में घुस के देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो एक्टर है अमिताभ बच्चन, ये कोई ऐसा नहीं है कि 5 फिल्म करने वाले एक्टर है या फिर अभी तक अपनी इन्होंने लाइफ में 10-12 फिल्में ही करा हुआ है। ये इंसान मेगा स्टार रहे हुए हैं, सुपर स्टार रहे हुए हैं, ये इंसान अभी के टाइम में भतेरे फिल्में कर रहे हैं। बट स्पेशली अमिताभ बच्चन कल की मूवी का ही वेट कर रहे हैं, ये अपने में ना भाई एक बड़ी ही अच्छी चीज़ें की तरफ इंडिकेट करती है, क्योंकि अगर कोई बड़ा एक्टर इस टाइप से कोई स्टेटमेंट दे कि मैं कल की मूवी का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने जो चीज़ों को शूट करा है ना वो चीज़ें कुछ बड़ी थी और वही बड़ी चीज़ों को देखने के लिए वो वेट कर रहे हैं। सो ये छोटा स्टेटमेंट ना बहुत कुछ कह के जाते हैं। सो जितने भी यहाँ लोग बोल रहे थे कल की मूवी जस्ट एक ऑर्डिनरी फिल्म है, तो मेरे भाई कल की मूवी जस्ट एक ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है, बजट वाइज भी ये काफ़ी बड़ी है, इसके साथ साथ इसका जो थीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसके अलावा ये फिल्म की जिस तरीके से मेकिंग करी गई है वो तो और भी ज़्यादा बड़ा है। तो जितने भी भाई कल की मूवी का फैंस लोग हैं भाई, तुम लोग बताओ तुम लोग इस पर क्या कहना है। बाकी अगर ये वीडियो ज़्यादा भी पसंद आया तो प्लीज़ यार छीट दो, फैला दो, जो करना है करो, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना।